हेलो गाइस, फिर से दुबई के एक नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुज और आप देख रहे हैं एस्पायरिंग थिंग्स। ये पीछे वाली लड़की को इग्नोर करें, ये पर्स में तिजोरी खोज रही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग ग्लोबल विलेज का रहेगा, तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूरे 90 कंट्रीज़ का कल्चर को दिखाया गया है। गाइज, हम लोग 90 कंट्रीज़ तो घूम नहीं सकते हैं, लेकिन ग्लोबल विलेज में घूम सकते हैं। तो हम लोग ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं, और अगर आप अभी तक ग्लोबल विलेज नहीं घूमे हैं तो हमारे साथ घूम सकते हैं वर्चुअली ग्लोबल विलेज। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा। गाइज, ग्लोबल विलेज ये भी क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म प्लेस है। ये गाइज ग्लोबल विलेज का टिकट काउंटर है, यहाँ से आप 15 दिरहम में टिकट ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। 2 बजे ग्लोबल विलेज ओपन होता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको यहाँ पे सीधे मोबाइल स्कैन करके आप अंदर जा सकते हैं। गाइज, जैसे ही मेन गेट से आप एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, जहां से आप ग्लोबल विलेज का जो मैप है वो ले सकते हैं, जिससे आपको घूमने में बहुत आसानी होगी। और ग्लोबल विलेज में कौन सा देश का आउटलेट कहां पे है ये भी आपको वहां पे मेंशन किया गया है। गाइज, आपको ग्लोबल विलेज का कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। ग्लोबल विलेज 1997 से लगाया जा रहा है, और ये पहले दुबई के क्रीक एरिया में लगाया जाता था। अब ये वैफी सिटी के पास शिफ्ट हो गया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग एक साल में 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो सोचिए अंदर में कितना अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, कितना अच्छा अंदर का कल्चर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ये हम लोग का जाना पहचाना और फेवरेट ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बहरीन कुवैत के आउटलेट पे। गाइज, यहाँ पे बहुत तरह के परफ्यूम मिलते हैं जो कि कुवैती परफ्यूम्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुवैती बुरखा का दुकान सब है, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस माना जाता है इस चीज़ों को। गाइज, अब हम लोग पहुंच चुके हैं यमन के आउटलेट पे। तो यहाँ के मसाले बहुत फेमस है, इसलिए इधर मसाले मिल रहे हैं। गाइज, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हनीज मिलते हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो ले भी सकते हैं। गाइज, ग्लोबल विलेज का जो पार्किंग है उसमें टोटल 23,000 से भी ज़्यादा गाड़ियों को एक बार में पार्क किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, सोचिए कितना अधिक यहाँ पे विजिटर आते होंगे। गाइज, वी आर इन ईरान आउटलेट। These handmade paintings are awesome. It's look like a printed photo actually. Guys, तो इधर आप मेरे सामने ईरानी कालीन देख रहे हैं, बहुत फेमस है guys. Guys, ये है मोरक्को का आउटलेट, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। गाइज, अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आईडी शो हो रहा है, जाकर तुरंत फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको हर समय नई नई अपडेट मिलते रहे। गाइज, पता नहीं कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन गाइज 100 out of 100 है ग्लोबल विलेज। आप आएंगे, आपको जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ और सिर्फ 15 दिरहम है, जो कि बहुत ही कम है यहाँ के हिसाब से। जो चीज़ ग्लोबल विलेज ऑफर करता है उसके हिसाब से 15 दिरहम कुछ नहीं। गाइज, अब आप लोग देख रहे हैं हमारा देश इंडिया का आउटलेट। गाइज, तो इंडिया के आउटलेट में ज़रूरी नहीं है जाना, मगर हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ऐसा अनसीन चीज़ें होता जो हम लोगों को पता नहीं होता। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, सब देश का एंट्री उस तरफ से है, लेकिन हमारा एंट्री इस तरफ से है, क्योंकि हम लोग जो चलते हैं वो राइट हैंड से चलते हैं, और उस यहाँ जो चलते हैं वो लेफ्ट हैंड से चलते हैं। तो जो देश का जिस तरफ से एंट्री रहेगा वहाँ पर उसी देश का। गाइज, ऊपर में पूरा महसूस हो रहा, लाल किला वाला फील आ रहा। गाइज,
गाइस देखिए यहाँ पे आइसक्रीम शॉप भी मिनी कूपर में है, और हमारे इधर का आइसक्रीम शॉप देखिए कैसा होता है। अब गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चाइना के आउटलेट पे, अंदर चलते हैं। बहुत ही नई नई चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए चाइना के सिपाहियों हैं, उनका स्टैचू लगा हुआ है। तो गाइस ये फ्लोटिंग मार्केट है, इसमें आइए दिखाते हैं क्या है फ्लोटिंग मार्केट में। गाइज ये छोटे छोटे नाव हैं, और नाव पे ही सारे शॉप्स हैं, और आप देख सकते हैं बहुत लंबा है गाइज, सारा पूरा फ्लोटिंग मार्केट है ये। और ये है साउथ कोरिया का आउटलेट, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है गाइज। और ये है जापान का आउटलेट, बहुत ही सुंदर है, ट्रेडिशनल चीज़ों से बहुत ही सुंदर है। गाइज अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आईडी शो हो रहा है, जाके तुरंत फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा ताकि आपको हर समय नई नई अपडेट मिलते रहे। गाइज ये ग्लोबल विलेज का इंस्टा आईडी है, आप इस पे अपने फोटोज़ को टैग कर सकते हैं। और ये है पूरा किड्स जोन, यहाँ पे बच्चों के खेलने की इतनी सारी चीज़ें हैं, एडल्ट के खेलने की इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम्स हैं जो कि बहुत ही इंटरटेनमेंट का चीज़ है, बहुत ही मज़े वाले चीज़ है। गाइज यहाँ पे बच्चों के खेलने की चीज़ तो है ही, और बड़ों के भी खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े बड़े रोलर कोस्टर हैं, और बहुत बड़ा बड़ा गाइज आप लोग को झूला मिलेगा जो कि हवा में सीधे ऊपर लेके जाएगा। गाइज आपको बहुत सारा झूला ऐसा मिलेगा जो सिर्फ हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, वो यहाँ पे देख रहे हैं। और गाइज हमारे पीछे है मशहूर अमेरिका का आउटलेट जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे बहुत सारी अमेरिका की चीज़ें भी मिल रही है यहाँ पे अंदर में शॉप में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है मिशन स्पीड, यहाँ पे बाइक और कार से स्टंट्स करते हैं जो कि लाइव होता है बिल्कुल, टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ओपन एरिया में, यहाँ का आपको एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पे इतने सारे लाइट लगे हैं कि पूछिए मत, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, दिन से ज़्यादा सुंदर ग्लोबल विलेज रात में लग रहा है। और मेरे सामने है तुर्की का आउटलेट जिसके ऊपर में ब्रिज बना हुआ है। गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज के मेन गेट के बाहर में, और यहाँ की लाइटिंग्स हर थोड़े थोड़े देर पे चेंज हो रही है। गाइज आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ग्लोबल विलेज को पसंद किया, अगर मेरे काम को पसंद किया तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के ऊपर, तो इस वीडियो में बने रहें, हमारे सीरीज़ में बने रहें।